जैसे कि आप देख ही रहे हैं इतनी ग्रीष्म गर्मी में हम यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और यहाँ पे हम नारे लगा रहे हैं कि बाप शराब पीता है बच्चे भूखे मरते हैं, बाप शराब पीता है बेटी या बाप से डरती है, ये सब हम नारे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग शराब कितना शराब का नशा बढ़ गया है आजकल, इसलिए हमने रैली निकाली है। आतंकवाद बढ़ गया है इस देश में, इसलिए हमने रैली निकाली है। क्या संदेश दे रहे हैं? हम यहाँ पे जो बुरे काम हो रहे हैं इस देश में इस शहर में हम उसको बंद कराने के लिए रैली निकाली हमने। नाम अभिषेक शुक्ला। यह बताना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से, यह बताना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है, अजमेर शहर बहुत ही बेकार शहर होता जा रहा है। हम ये रैली इसलिए निकाल रहे हैं जिससे कि पूरा अजमेर शहर और राजस्थान नशा मुक्त हो जाए। मेरा नाम प्रसून मेहता। हम एक सप्ताह से इन बच्चों के अंदर शारीरिक आत्मिक और बौद्धिक विकास करना चाहते हैं और इसी माध्यम से हम ये बच्चों में एक प्रशिक्षण देना चाहते हैं कि जाकर अपने परिवार में इस बात को चर्चा करें कि जो नशा है राष्ट्र के लिए घातक है, परिवार के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। इस प्रकार यदि वो नशा मुक्त परिवार बन जाएगा तो परिवार बनते ही समाज बनेगा, समाज बनते ही राष्ट्र और फिर पूरा विश्व का कल्याण होगा। जिस प्रकार भारत पहले से विश्वगुरु रहा है अभी अपने विश्वगुरु बनाने की हमारी कल्पना है और इन बच्चों के ये दो परिवारों के जहाँ अपने परिवारों को और जहाँ विवाहित होकर जाएंगी दूसरे परिवार का भी जीवन सुधरेगा। इन ढंग से पूरा राष्ट्र पूरा विश्व नशा मुक्त हो पाए। चनैयालाल आर्य, मंत्री प्रभुकालीन सभा अजमेर। ये हमारे आर्य वीरांगना दल का जो ये 8 दिवसीय शिविर है इसका आज अंतिम दूसरा दिन है। आज हम जो है ना जो इनके गार्जियंस हैं उनको और पूरे जो है अजमेर वासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा जो अजमेर क्या हमारा राष्ट्र जो है नशा मुक्त हो, जैसे शराब बंद हो और बीड़ी सिगरेट ये जितने भी नशे हैं ये बंद करने का ये आर्य वीरांगना आह्वान कर रही है। करीबन कितने बच्चों ने भाग लिया? 150 बच्चों ने भाग लिया। आपका यतीन्द्र शास्त्री संयोजक।